हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित वर्मा। आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री बीएससी सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि बियर लेमट नियम हमें बताना है। अगर इसके बारे में आपके आपसे पूछ लिया जाए तो कि बियर लेमट नियम बताइए। तो देखिए दोस्तों, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार यदि किसी एक वर्णी प्रकाश आप जानते हो, जैसे लेजर लाइट जो होती है हमारे पास, जब वो जो हम मेले में से लेकर आते हैं लेजर लाइट, वो एक वर्णी प्रकाश होता है दोस्तों। तो किसी इस नियम के अनुसार यदि किसी एक वर्णी प्रकाश की किरण किरण पुंज को किसी अवशोषक पदार्थ, यानी जो उसका अवशोषण करता हो उस प्रकार के पदार्थ के विलयन में के क्या भाई दोस्तों के विलयन के अंदर से गुजारा जाता हो, के विलयन में से गुजारा जाता हो तो इस, आपको पता है ये जो विलयन है, यानी ये जो अवशोषक पदार्थ का विलयन है, ये इसमें कुछ ना कुछ तो करेगा भाई। अवशोषण अवशोषक पदार्थ है तो इस अवशोषक पदार्थ में तय की गई दूरी, जैसे ये कोई विलयन है, इसके अंदर अवशोषक पदार्थ का विलयन है और इसमें से कोई लेजर या एक वर्णी प्रकाश जो है वो क्या दोस्तों गुजारा जाता है, तो ये जो दूरी है हमारी, ये जो इस विलयन के अंदर जो जितनी दूरी तय की गई है, तो तय की गई दूरी के साथ विकिरणों में हुई तीव्रता की कमी, तो इसका कुछ अवशोषण हो जाएगा दोस्तों, तो उसमें क्या होगा भाई, इसकी तीव्रता में कमी हो जाएगी। तो तीव्रता की कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के साथ साथ किस पर निर्भर करती है भी, विलयन की सांद्रता के समानुपाती होती है, यानी इसके अंदर जो कमी आई है वो आपतित किरणों की तीव्रता के साथ साथ विलयन की सांद्रता, इसमें मतलब ये जो अवशोषक पदार्थ है ये कितना सांद्र है उस पर भी निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारा पियर लेमट नियम। तो इस परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि माइनस डी आई, यानी तीव्रता आई हो गई, आई में क्या आया है दोस्तों, कमी आई है, तो डी आई पॉन में डी एक्स एक्स यानी दूरी हो गई, तो समानुपाती किसके हो जाएगा, आई यानी तीव्रता जो आपतित किरणों की तीव्रता है, समानुपाती हो गया किसके भी डॉट सी के यानी सांद्रता के। ओके दोस्तों, तो डेफिनेशन आप इसको याद कर लीजिए, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, इससे आप डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले क्या लिखना होगा कि इस नियम के अनुसार एक वर्णी प्रकाश स्रोत की किरण पुंज को किसी अवशोषक पदार्थ के विलयन में से गुजारा जाता है, तो इस अवशोषक पदार्थ की दूरी यानी जितनी दूरी इसने
इसके अंदर तय की है की है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। तो दूरी के साथ विकिरणों में हुई, मतलब दूरी के सापेक्ष विकिरणों में क्या हुआ, विकिरणों की तीव्रता में परिवर्तन आया है, यानी डी आई हो गया। तो डी आई पोन में डी एक्स कमी आई है, इसका मतलब माइनस लगाया है। ये माइनस इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसके अंदर कमी आई है। तो समानुपाती किसके होगा भी, आई यानी कि आपतित किरणों की तीव्रता के, आपतित विकिरणों की तीव्रता के तथा विलयन की सांद्रता सी के समानुपाती होगा, ठीक है दोस्तों। इसको या हम लिख सकते हैं माइनस डी आई पोन में डी एक्स, समानुपाती का चिन्ह जो है हम अगर क्या करते हैं हटाते हैं तो उसमें क्या भी कॉन्स्टेंट कोई ना कोई कॉन्स्टेंट हमने क्या मान लिया भी, के मान लिया, तो के आ गया, तो के आई सी, ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो बीयर लेमेट नियम आपको अच्छी तरीके से इस प्रकार करना है दोस्तों, अगर एग्जाम में आ जाता है तो। हाँ तो दोस्तों इसके बाद में हमारा, हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि पिक्रिक अम्ल को फिनोल की सहायता से हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए पिक्रिक अम्ल जो होता है उसकी संरचना देखिए आप, पहले पिक्रिक अम्ल जो होता है वो पहले आप ये बेंजीन वाली जो संरचना है, इस प्रकार की संरचना जो हम बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके साथ में NO2 यहाँ पर OH, यहाँ पर फिर NO2 और यहाँ पर NO2, ये होती है दोस्तों पिक्रिक अम्ल की संरचना। तो हमसे पूछा गया है कि फिनोल की सहायता से इसे हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हम अभी इसको फिनोल की सहायता से किस प्रकार ज्ञात करते हैं, हमारे पास फिनोल है यानी OH और ये फिनोल की हमारी संरचना हो गई। फिनोल के साथ हम किसके साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, अभी NO2 की, 3NO2 की, क्योंकि हमें क्या पता है अभी फिनोल पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए हमें NO2 उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा तभी। तो तीन जो है 3NO2 का हम इसके साथ ऐड करते हैं और इसके बाद में अभिक्रिया जो वो किस प्रकार होगी भी दोस्तों, देखिए ये हमारा हो गया बेंजीन वाली संरचना। तो एक NO2 यहाँ पर आ गया, एक आ गया NO2 यहाँ पर और एक NO2 आ गया दोस्तों यहाँ पर। NO2 आने के पश्चात एक जो OH है हमारे पास वो हो गया, हमारे पास ये एक OH हो गया। इसके बाद में देखिए यहां पर आपको प्लस में 3H दिखाई देंगे क्योंकि एक H यहां से निकल गया और दूसरा H यहां से और तीसरा हाइड्रोजन जो वो यहां से, यानी तीन जो H है वो हमारे पास यहाँ पर आयन के रूप में हमें प्राप्त हो गए हैं दोस्तों। तो ये जो संरचना बनी है, ये जो हमारे पास उत्पाद बना है वो है पिक्रिक अम्ल। कौन सा है दोस्तों, पिक्रिक अम्ल। लगभग एक दो बार ये पूछा ही जाता है पिक्रिक अम्ल का क्वेश्चन जो है। ये है हमारे पास दोस्तों फिनोल, तो फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ भी, 3NO2 के साथ हमने करवाई। तो NO2 की जगह जो H लगा हुआ था उसको हटाकर NO2 वहाँ पर प्रतिस्थापित हो गया है और हमारे पास 3H साइड में हमें मिल गए हैं और ये जो हमें संरचना प्राप्त हुई है वो है पिक्रिक अम्ल की दोस्तों। हाँ तो दोस्तों इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि रोजेन मुंड अभिक्रिया को लिखिए या रोजेन मुंड अभिक्रिया जो है उसे समझाइए। तो देखिए दोस्तों रोजेन मुंड अभिक्रिया किस प्रकार होती है दोस्तों, एसिड जो होता है एसिड क्लोराइड का उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, कौन सा दोस्तों, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण करवाने पर
एल्डिहाइड बनाते हैं, ये इसकी प्रक्रिया होती है। तो एसिड क्लोराइड उत्प्रेरक या हाइड्रोजनीकरण करवाने पर क्या बनाते हैं दोस्तों? एल्डिहाइड बनाते हैं। तो देखिए CCl क्लोरीन हो गया, ये हो गया हमारे पास एसिड क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया किसके साथ दोस्तों? H2PD या BaSO4 के साथ हमने करवा दी। तो इससे जो उत्पाद बनेगा यानी उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, ठीक है, एसिड क्लोराइड का उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण करवाने पर हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों? एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? रोजेनमुंड अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, सिर्फ आपको इतना करना है कि ये जो R है, R का तो R आ जाएगा, O का O के स्थान पर O आ जाएगा, और H ये क्लोरीन जो है इसके स्थान पर क्या आ जाएगा दोस्तों? H आ जाएगा। और HCl क्या है हमारे पास? हमें उत्पाद के रूप में अलग जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया संपन्न हुई है वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों? रोजेनमुंड अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद में हमारे पास चौथा क्वेश्चन वो है इस प्रकार है कि दोस्तों कि बॉर्बिट्यूरिक अम्ल जिसकी संरचना क्या भी C4H4N2O3 है, ठीक है दोस्तों, तो ये सूत्र जो संरचना सूत्र वो ये है। तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि इसका आपको निकालना है, संरचना बनानी है, तो संरचना सूत्र देखिए आप किस प्रकार से लिखेंगे। संरचना सूत्र, तो देखिए दोस्तों आपके पास आपको इस प्रकार की एक संरचना बनानी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक ओ, यहाँ पर दूसरा ओ आ गया यानी ऑक्सीजन हो गया एक, पहले ओ लिख दिया, इसके बाद में हमने क्या कर दिया एक इस प्रकार बंद बना दिया। फिर क्या करेंगे? एन एच लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? एन एच, ओ एन एच, फिर वापस क्या? ओ आएगा, ठीक है, ओके दोस्तों, फिर वापस आएगा आपके पास यहाँ पर ओ आएगा, ठीक है, ओ एन एच ओ, इसके बाद में फिर एन एच, ठीक है, इसके बाद में दोस्तों फिर यहाँ पर क्या आएगा? एन एच लिख दिया मैंने, और फिर इसके बाद में क्या आएगा दोस्तों? ओ फिर आएगा यहाँ पर, ठीक है, बस इतना ही है दोस्तों, ठीक है। तो हमारे पास देखिए ओ आ गया, फिर एन एच आ गया, फिर ओ आ गया, एन एच आ गया, ओ आ गया, ये इसका संरचना सूत्र हो जाएगा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। इसके बाद में दोस्तों आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5 की फिनोलेफ्थिनिथिलीन का संरचना सूत्र लिखिए। तो देखिए दोस्तों संरचना सूत्र है वो आसानी से, बड़ी ही आसानी से हम किस प्रकार बनाते हैं, पहले क्या भी फिनोल वाली संरचना जो है हमारे पास आपको पता है इस प्रकार होती है, ठीक है, एक और फिनोल की संरचना जो वो ले लिए, इस प्रकार हमने फिनोल वाली संरचना ले ली। इसके बाद में यहाँ से एक एच और एक एच हटा देंगे, हटाने के बाद में इसको किससे जोड़ देंगे दोस्तों? कार्बन से जोड़ देंगे, ठीक है, आसानी से कर रहे हैं बहुत ही, इसको जो संरचना जो वो आसानी से बना रहे हैं, तो इसको सी से जोड़ दिया। इसके बाद में इसको जोड़ दो एक ओ से, इसकी एक तो संयोजकता पूरी हो गई, ये एक बंद और बना सकता है, तो इसको हमने वापस सी से जोड़ दिया, और यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों? इसकी दो ऑक्सीजन की दो संयोजकता होती है, तो एक दो तीन, ये दो ऑक्सीजन की दो पूरी होगी इस कार्बन के साथ, इसके बाद कार्बन की कितनी होती है? चार होती है दोस्तों, तो एक दो तीन, तीन यहाँ पर पूरा हो गया, तो एक चौथा जो है वो हमें क्या करेंगे इस प्रकार, इसकी भी तीन है, इसकी भी तीन पूरी होगी, तो चौथी संरचना है वो हम किस प्रकार दोस्तों? एक बेंजीन बनाकर इस प्रकार यहाँ पर बेंजीन की संरचना, बेंजीन जैसी संरचना बनाकर हम, यानी बेंजीन की संरचना में से एक ये एच और एक यहाँ से एच हटाकर हमने किसके साथ बॉन्ड बना दिए? सी के साथ, कार्बन के साथ हमने बॉन्ड बना दिया है। तो ये संरचना जो दोस्तों है वो किसकी है? फिनोलेफ्थिलीन की संरचना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बड़ी आसानी से आपको क्या करना होगा, एक तो फिनोल की संरचना पहले बनानी है, फिर दूसरी फिनोल की संरचना बनाकर जो यहाँ वाला हाइड्रोजन है उसको हटाकर, और इसको हटाकर हम क्या करेंगे? कार्बन से जोड़ देंगे, और कार्बन की दो संयोजकता होगी, तीसरी संयोजकता ओ से जोड़ेंगे यानी ऑक्सीजन से,
तो ऑक्सीजन आपको पता है कि दो संयोजकता रखता है, इसको एक कार्बन से और जोड़ देंगे तो इस कार्बन की संयोजकता एक ही कंप्लीट हुई। इसके बाद में हम दो बंद ऑक्सीजन से बना देंगे तो ऑक्सीजन की भी पूरी होगी। अभी कार्बन की बची कितनी, एक संयोजकता बची, इसकी भी कितनी बच गई, एक बच गई। तो इसको हम बेंजीन वाली संरचना के तौर पर हम इसको इस प्रकार जोड़ देते हैं दोस्तों। तो ये हो गया आपका फिनोलेपथिलीन का संरचना सूत्र। इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि क्विन हाइड्रोन का की संरचना लिखिए दोस्तों। तो आपको क्या करना है, पहले इस प्रकार की एक संरचना बनानी है, बना दी संरचना। इसके बाद में आपको वो अंदर वाला गोल गोल चिन्ह नहीं बनाना है। इसमें क्या करना है आपको, एक मैं नॉर्मली जल्दी जल्दी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अगर इस प्रकार की संरचना पूछ ली जाए तो आपको बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो पहले हमने ये वाली संरचना बना ली, इसके बाद में क्या करेंगे, ऑक्सीजन से बॉन्ड बना देंगे। और ऑक्सीजन से बनाया यहाँ पर, तब क्या करेंगे हम यहाँ पर इस प्रकार की ये जो बॉन्ड है हम इनको इस प्रकार बना देंगे। और यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, एक ऑक्सीजन को और ऐड कर देंगे। या इसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, और हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, जब क्या होगी इसका एक बॉन्ड हटाएंगे तो इसका जो एच है वो किसके साथ आ जाएगा, यहाँ पर एच आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि OH, और फिर यहाँ पर क्या दोस्तों, यहाँ पर भी OH। तो देखिए अब इनमें जो बंद है वो पूर्ण नहीं है, तो इस कार्बन के बंद पूर्ण करने के लिए यहाँ पर हमने चार लगा दिए। अब इसके देखिए एक दो यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक हाइड्रोजन है, तो उसके भी कितने हो गए दोस्तों, चार हो गए। तो यहाँ पर इसके बाद में आगे वाले के चार हो गए, और इसके बाद में यहाँ पर ये सभी क्या है, इनकी संयोजकता जो पूर्ण हो गई है। तो इस प्रकार हमें ये जो संरचना है वो बनानी है। इसके बाद में दोस्तों आपको देखिए, इसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास वो ये है कि प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल जो होते हैं उनके निर्जलन की तीव्रता किस प्रकार होती है। तो तीव्रता जो है वो सबसे ज़्यादा तृतीयक और उसके बाद में द्वितीयक की होती है, और उसके बाद में होती है दोस्तों प्राथमिक की। तो यानी कि सबसे ज़्यादा जो तीव्रता होती है वो किसकी होती है दोस्तों, तृतीयक की, उसके बाद में द्वितीयक और उसके बाद में प्राथमिक की। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन है कि MMPP का पूरा नाम लिखिए दोस्तों। तो देखिए MMPP का पूरा नाम क्या होता है, देखिए दोस्तों M का मैग्नीशियम, और फिर M का हो गया मोनो, P का हो गया परोक्सीथेलेट। ठीक है, मोनो परोक्सीथिलेट, ये हो गया दोस्तों इसका मैग्नीशियम मोनोपरोक्सीथिलेट MMPP का पूरा नाम। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है कि सल्फोनिलिक अम्ल का संरचना सूत्र लिखिए। तो सल्फोनिलिक अम्ल जो है उसका संरचना सूत्र होता है, देखिए दोस्तों पहले हमको क्या बनानी है, एक बेंजीन जैसी संरचना बनानी है। बना ली, इसके अंदर हमने ये सर्किल बना दिया, तो ये हमारी बेंजीन जैसी संरचना जो है वो बन गई है। इसमें क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को हटाया हमने, और यहाँ पर क्या कर दिया, सल्फोनिलिक है, तो सल्फो से आप याद रखना, याद रखोगे कि SO3H लगा दिया हमने। ठीक है दोस्तों, और निलिक से यानी N से क्या रहा याद रखोगे आप, NH2। ये दोस्तों संरचना होगी सल्फोनिलिक अम्ल की संरचना हमारे पास सर। इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है दोस्तों। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक जो होता है वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को क्या कहते हैं दोस्तों, हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं, अभिकर्मक किसको कहते हैं दोस्तों, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। और इसका उपयोग जो है वो आता है दोस्तों प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अमीनो जो होते हैं उनको पृथक करण करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। तो देखिए दोस्तों प्राथमिक द्वितीयक व
तृतीयक एमिनो को पृथक्करण करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि प्रकाश विकिरणों की ऊर्जा एवं आवृत्ति में संबंध दर्शाने वाला समीकरण जो है वो कौन सा होता है दोस्तों। तो प्रकाश आपको पता है, प्रकाश और ऊर्जा, ऊर्जा आपको पता है क्या होती है दोस्तों, ई। तो डेल ई बराबर आपको याद रखना है, डेल ई बराबर एच न्यू, आवर्ती होगी, न्यू इसकी क्या होगी, आवर्ती होगी, एच क्या होगा, प्लांक नियतांक, और ऊर्जा क्या होगी दोस्तों, ई हो गई। तो ये जो समीकरण है, ये इक्वेशन जो है वो आपको किसको बताती है भी, प्रकाश विकिरणों की ऊर्जा एवं आवर्ती में संबंध को दर्शाती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर एच न्यू जो है वो किसका मान होता है, ई टू माइनस ई वन, यानी ऊर्जा का अंतर होता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एच न्यू लिख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, न्यू जो आवर्ती जो होती है उसे हम सी अपॉन में लेमडा के रूप में, यानी न्यू बराबर जो आवर्ती होती है सी अपॉन में, इसे लेमडा भी लिखा जाता है। तो ये आगे क्या हो जाता है अभी दोस्तों, हमारे पास एच सी अपॉन में लेमडा, इस प्रकार से कह सकते हैं। डेली का मतलब ऊर्जा का अंतर, दोनों ऊर्जाओं का अंतर। तो एच हो गया प्लांक नियतांक, और इसके अंदर सी प्रकाश का वेग आप जानते हो, लैम्डा तरंग दैर्ध्य होगी, और न्यू हो गया क्या, आवर्ती हो गई दोस्तों। क्या कहता है कि कर्म वीक्षण प्रक्रम क्या होता है, तो कर्म वीक्षण प्रक्रम जो होता है वो देखिए दोस्तों, स्पेक्ट्रोमीटर तो आपने सुना ही होगा। तो स्पेक्ट्रोमीटर में जब यौगिकों का स्पेक्ट्रम लेते हैं, क्या लेते हैं दोस्तों, स्पेक्ट्रम लेते हैं स्पेक्ट्रोमीटर में यौगिकों का, तो स्पेक्ट्रोमीटर जो है आपको पता है कि स्पेक्ट्रम लेने के ही काम में आता है। तो स्पेक्ट्रम लेते हैं तो उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें मोनोक्रोमेटर मोनोक्रोमेटर या विश्लेषक जो कि क्या होता है दोस्तों, सतत घूर्णन प्रिज्म होता है। मोनोक्रोमीटर इसमें जो स्पेक्ट्रम लेता है तो क्या होता है, उसमें एक मोनोक्रोमीटर होता है जो क्या होता है, विश्लेषक यानी सतत घूर्णन प्रिज्म होता है। जो क्या करता है दोस्तों, विभिन्न विकिरणों की विभिन्न तरंग दैर्ध्य पर क्या होता है दोस्तों, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। ये विभिन्न तरंग दैर्ध्य की विकिरणों को एक साथ संसूचक पर आपतित होती है तो इस प्रक्रम को क्या कहते हैं दोस्तों, क्रम वीक्षण प्रक्रम बोलते हैं। तो इस प्रक्रम को
कर्म वीक्षण कर्म वीक्षण प्रक्रम कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है दोस्तों कि फिनोल से पी हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बनाइए। तो सर्वप्रथम हमें क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, फिनोल है तो फिनोल ले लीजिए, OH ये बेंजीन वाली संरचना, यहाँ से चटाकर हमने क्या जोड़ दिया, OH ऐड कर दिया है दोस्तों, ठीक है। यानी ये जो है वो O से जुड़ा होता है, तो इसलिए हम इसको इधर वाली साइड में लिख देते हैं प्लस में। अब इसकी अभिक्रिया किस से करवाएं कि ये हमें क्या मिले, प्राप्त क्या प्राप्त होगी, पी हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन प्राप्त हो जाए। तो हम इसको डाई एजोनियम लवण के साथ इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं। तो डाई एजोनियम लवण जो है उसकी संरचना होती है दोस्तों, इसी प्रकार हमने इसको कर दिया और यहाँ पर क्या कर देंगे CLN2, यानी डाई एजोनियम लवण इसे कहते हैं दोस्तों। इसे क्या बोलते हैं, डाई एजोनियम लवण। ये क्या है दोस्तों, फिनोल है। अब इसकी संरचना, इसकी अभिक्रिया हमने किसकी उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में या OH उपस्थिति में करवाते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, हमें पी हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन प्राप्त होती है, जिसकी संरचना किस प्रकार होती है। पहले हम क्या करेंगे, N2 है तो पहले आप N2 लगा लीजिए बीच के अंदर, N2 हमने लगा लिया दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में हमने इस प्रकार N2 लगाया, यानी N2 दो N हो गए हमारे पास, दो बॉन्ड लगा दिए। इसके बाद में ये इस प्रकार से हमने एक एक बॉन्ड इनका बना दिया। एक एक बॉन्ड बनाने के पश्चात क्या कर दिया दोस्तों, हमने ये संरचना बना दी हमने बेंजीन वाली, बेंजीन की तरह दिखाई देने वाली। इसको इस प्रकार देखेंगे तो ये बेंजीन की तरह दिखाई देती है और इसमें नाम भी बेंजीन है। डाई यानी हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन हो गया, ठीक है। तो ये दो N हमारे काम में आ गए इनमें से। तो इसके बाद में एक ये बेंजीन वाली संरचना हमारे पास बन गई है। और इसके बाद में देखिए इसी प्रकार एक और संरचना बनानी है आपको, बना दी दोस्तों बेंजीन की जैसी। अब यहाँ वाला जो H है उसको रिमूव करके हम के किसको भी OH को ऐड कर देते हैं। तो ये जो संरचना है दोस्तों उसे बोलते हैं पी हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, पी हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ओके दोस्तों। हाँ तो दोस्तों इसके बाद में हमारे पास है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास हमसे पूछा गया कि एनिलीन की हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाइए। तो मैंने हिंसबर्ग अभिकर्मक की आपको संरचना जो है वो बनाकर बताई थी पिछले एक दो क्वेश्चन से पहले हमने। अब मैंने आपको बताया था कि हिंसबर्ग अभिकर्मक जो है वो किसे कहते हैं, भी बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड है, उसको हम क्या कहते हैं, भी हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। तो देखिए दोस्तों एनिलीन हमारे पास क्या है, C6H5NH2 हमारे पास क्या है दोस्तों, एनिलीन है। इसकी हमने किसके साथ दोस्तों, हिंसबर्ग अभिकर्मक यानी कि बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड के साथ, यानी C6H5SO2Cl। ये क्या है दोस्तों, ये है बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। इसमें से क्या होगा दोस्तों, इसमें से HCl है उसका निष्कासन हो जाएगा, यानी माइनस HCl हो गया यहाँ पर। और हमारे पास जो उत्पाद के रूप में हमें C6H5, ठीक है दोस्तों, और माइनस में
माइनस क्या, सॉरी बॉन्ड, ये एक बॉन्ड हो गया इसका, इसके साथ हो गया एनएच, और फिर ये बेंजीन वाली संरचना, ठीक है। और क्योंकि इसके अंदर बेंजीन है तो ये एक एच अगर इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है तो ये बेंजीन की संरचना बन जाती है, इसलिए मैं बार बार इसको बेंजीन वाली संरचना बोल रहा हूँ, उसके रूप की होती है, ठीक है दोस्तों। तो C6H5 एक तो ये आ गया, और इसका एक एच हमने रिमूव कर दिया, कैसे कि HCl से एक यहाँ से एच लिया और एक यहाँ से Cl लिया, तो ये HCl हमने अलग कर दिया इसका। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया अभी, C6H5 ये आ गया, और यहाँ पर आ गया NH, इसके बाद में इसका बंध जो है वो किसके साथ हो जाएगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो C6H5 हो गया यहाँ पर। तो इसके बाद में क्या शेष क्या रहा दोस्तों हमारे पास, SO2, ये हो गई हमारी दोस्तों संरचना। इस प्रकार हमें एनिलीन की हेंसबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें प्राप्त होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है कि क्रोमोफोर क्या है दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्रोमोफोर क्या है, तो क्रोमोफोर ऐसे विलगित असंतृप्त समूह को कहते हैं जिसमें कम से कम क्या हो दोस्तों, एक पाई बंद होता है, एक पाई बंद होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, क्रोमोफोर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्रोपीन जैसे CH2 क्रोमोफोर होता है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में देखिए दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है कि इसमें पूछा गया है IUPAC नाम लिखिए इसका। तो IUPAC नाम लिखने के लिए हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि CH3O CH CH3 2, तो हमें इस प्रकार का एक सूत्र दिया गया है। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से ओपन कर लेंगे, तो CH और यहाँ पर क्या है दोस्तों CH3 और फिर क्या है यहाँ पर CH3, इस प्रकार से ये हमने संरचना को ओपन कर लिया है, संरचना सूत्र बना लिया है। तो ये देखिए मेथ एथ प्रोपेन हो गया, और ये हमारे पास हो गया ओके साथ मेथोक्सी, तो ये हो गया दोस्तों मेथोक्सी आइसोप्रोपीन, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया दोस्तों, मेथोक्सी आइसो प्रोपेन। इसके बाद में हमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि इसका IUPAC नामकरण बताइए। तो देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 हम इस प्रकार नामकरण करते हैं, तो इसी प्रकार चिन्हित करते हैं कार्बन को। तो देखिए दोस्तों इसके बाद में ये यहाँ पर क्या है, इसको भी फर्स्ट मान लिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 6, तो इसमें क्या अभी ये जो समूह जुड़ा हुआ है ये पहले के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो इसको हमने 6 पेयर हेक्सिनल हो गया, हेक्स हो गया, तो इसको या तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों हेक्स 1 एल लिख सकते हैं, या इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों डायरेक्टली हेक्सेनल लिखा जा सकता है। इसके बाद में हमारे पास तीसरी जो सूत्र दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है कि CH3 2 हो गया, और CH फिर डबल पॉइंट CH और ये COOH, इस प्रकार का हमें सूत्र दिया गया। तो हमें क्या करना है, पहले 1 2 3 4 और 5 कार्बन से हमने क्या कर लिया दोस्तों, इनका चिन्हित कर लिया है। अगर आप इसको करना चाहते हो तो इसको भी 5 कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। यानी जो लंबी श्रृंखला होती है कार्बन को, हमें उनको चिन्हित किया करना होता है, तो आप इसको भी कर सकते हो, उसको भी कर सकते हो, हमने इसको कर लिया। तो देखिए 1 2 3 4 पर क्या है दोस्तों, मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो
क्या हो गया दोस्तों, 4 मेथिल, 1, 2, 3 यानी मेथेथ प्रो ब्यूट पेंट, पेंट पर हमारे पास क्या अभी मेथिल, सॉरी 4 मेथिल पेंट यानी 5 से इसका पेंट हो गया। और फिर में इसमें देखिए दोस्तों, इसके बाद में आते हैं यहाँ पर 1, 2, 2 पर है, डबल पॉन्ड है तो इसको क्या करेंगे भी 2 इन 2 इन। ओके दोस्तों, इसके बाद में ये हमारा इसका काम कंप्लीट हो गया और ये हो जाएगा ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। अगर दो देखिए दोस्तों आप किसको लेते हैं, इसको 5 नंबर लेते तो भी 1, 2, 3, 4, 5 पर, 4 के बाद में 4 पर जुड़ा हुआ है कौन सा मेथिल समूह है तो 4 मेथिल, इसके बाद में 5 है तो 5 पेंट हो गया, इसके बाद में 2 इन हो गया, इसके बाद में ओइक अम्ल हो गया दोस्तों। तो ये हो गया हमारा तीसरा IUPAC नामकरण। इसके बाद में नेक्स्ट IUPAC नामकरण का हमारे पास क्वेश्चन दोस्तों है 4 नंबर, कि ये हमें इस प्रकार का समूह दिया गया है इसका नामकरण, तो आप इसका डायरेक्ट याद कर लीजिए दोस्तों, फेनिल बेंजोएट। इसके बाद में हमारे पास 5 नंबर पर IUPAC नामकरण का सूत्र हमें इस प्रकार दिया हुआ है, C6H5NCH3 और ये 2। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम इसको पहले क्या करेंगे दोस्तों, ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए देखिए क्या अभी C6H5, ठीक है, बेंजीन वाली संरचना इधर वाली साइड में रहेगी, इसके बाद में N के बाद में CH3 और यहाँ पर एक CH3 और ऐड किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास कार्बन के ज़्यादा वाले इधर वाली साइड में, तो हम ये जो है वो हमें वैसे तो काउंट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक बार एक साइड में ही है। तो देखिए क्या होता है इसमें कि N डाइमेथिल, NN डाइमेथिल, क्योंकि ये क्या अभी मेथिल जो है NN के N के ऊपर जुड़े हुए हैं, ये मेथिल वाला समूह, ये मेथिल समूह किस में जुड़ा हुआ है N के ऊपर, तो N फिर N डाइमेथिल, डाइमेथिल एमिनो बेंजीन। ये इसका IUPAC नामकरण हो गया दोस्तों। इसके बाद में देखिए दोस्तों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा जाता है कि राइमल्टिमान अभिक्रिया आपको लिखनी है। तो देखिए हमें क्या लेंगे दोस्तों, पहले क्या लेंगे, फिनोल लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिनोल लिया हमने, फिनोल, इसके साथ हमने CH3Cl हमने इसके साथ ऐड किया है, तो इसको KOH की उपस्थिति में हमने इसकी अभिक्रिया करवाई है। तो दोस्तों देखिए, इस OH के साथ क्या दोस्तों, C ऐड होकर क्या होगा दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर इस प्रकार एक संरचना प्राप्त होगी, यानी OH ये तो था, इतनी संरचना तो थी हमारे पास, इसके साथ K को हमने अलग करके OH C के साथ ऐड करके इसको हमने क्या लिख दिया यहाँ पर CHO। ओके दोस्तों, इसका नाम हो गया ओ हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्डिहाइड। ओके दोस्तों, प्लस में हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, OH या CHO, यानी या तो हमें ये प्राप्त हो सकता है या क्या प्राप्त हो सकता है, यानी ये तो ऑर्थो पर और पैरा पर हमें प्राप्त हो सकते हैं इस प्रकार की ये संरचना। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सा हो गया, ऑर्थो हो गया और ये हो गया पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्डिहाइड। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है, ह्यूमन ब्रोमाइड अभिक्रिया को दिखाना है दोस्तों। तो देखिए हमने क्या लिया अभी, पहले CH3C डबल पॉन्ड ONH 2 प्लस में ब्रोमाइड है, तो इसके अंदर Br2 हो गया, प्लस में 4KOH हमने ऐड किया है किसके साथ, देखिए दोस्तों हमने क्या किया, CO CH3CO NH2 के साथ हमने ब्रोमाइड जो ब्रोमीन है उसके
टू ब्रोमिन इसको ऐड किया है दोस्तों, तो उसके साथ में प्लस में हमने प्लस क्या किया है, 4KOH ऐड किया है। तो इसकी अभिक्रिया इसके साथ करवाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, ये क्या है दोस्तों, एसीटो एमाइड है, एसीटो एमाइड यानी एसीटामाइड, ठीक है दोस्तों। तो इससे हमें जो प्राप्त होने वाला है वो होगा दोस्तों CH3NH2, ये CH3 आ गया हमारे पास, इसके बाद में आ गया NH2, ओके दोस्तों। इसके बाद में ये हमें तो एक तो प्राप्त हो गया ये वाला यानी मेथिल एमीन प्राप्त होगी हमें एक तो, प्लस में हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, प्लस में हमें प्राप्त हो जाएगा 2KBr, 2KBr, फिर प्लस में हमें प्राप्त हो जाएगा K2CO3 और प्लस में जल के अणु में प्राप्त हो जाएंगे। तो ये जो अभिक्रिया है दोस्तों हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद में 19 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों है कि सैंडमेयर अभिक्रिया को हमें बताना है। तो सैंडमेयर अभिक्रिया का क्या होता है दोस्तों, देखिए इस प्रकार एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि C6H5N2Cl, क्या दोस्तों इसका Cu2Cl2HCl, और फिर इससे हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों C6H5Cl प्लस में N2। ये जो अभिक्रिया होती है दोस्तों उदाहरण के तौर पर मैंने सैंडमेयर अभिक्रिया को आपको बताते हैं। इस विधि में होता क्या है कि ये डाई जो एजोनियम होता है समूह है, इसमें क्या होता है दोस्तों Cl और ब्रोमो, यहाँ पर आपको या तो Cl दिया होगा या क्या दिया होगा भी Br, जो कि क्या होगा प्रतिस्थापन समूह होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा कि आपको इसकी उपस्थिति में यानी HCl या CuCl2 की उपस्थिति में आप इसको अभिक्रिया करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये जो N2 है ये अलग हो जाएगा और ये C6H5 है इसके साथ, यानी क्लोरीन ब्रोमीन होगा तो ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, क्लोरीन होगा तो क्लोरीन ऐड हो जाएगा दोस्तों। ये होती है सैंडमेयर अभिक्रिया, यानी कि ये जो हेलोजन होते हैं ना, जो हेलोजन होते हैं उनसे संबंधित है क्लोरीन और ब्रोमाइड, यहाँ पर आपको ब्रोमाइड भी दिया जा सकता है या क्लोराइड, यहाँ पर इस एग्जाम्पल मैंने आपको क्लोराइड से लेकर आपको बताया है। इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि लैक्टोन निर्माण कीजिए। तो लैक्टोन निर्माण करने के लिए दोस्तों क्या होता है कि हमारे पास इसको लिख लेते हैं वैसे एग्जाम्पल के तौर पर, तो जब चक्रीय कीटोन यानी कि कीटोन आपको एक वलय लेना है, ठीक है, तो चक्रीय कीटोन की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है दोस्तों, चक्रीय कीटोन की अभिक्रिया ट्राइफ्लोरो एसिटिक किसके साथ, ट्राइफ्लोरो एसिटिक अम्ल के साथ करवाई जाती है, तब लैक्टोन का निर्माण होता है दोस्तों, तब क्या होता है लैक्टोन का निर्माण होता है। तो देखिए हमने कीटोन वलय ले लिया है दोस्तों, ये हमारे पास कीटोन है, इसकी किसके साथ ट्राइफ्लोरो एसिटिक अम्ल यानी ट्राइफ्लोरो एसिटिक अम्ल हमने ले लिया है, इसकी उपस्थिति में हमने क्या किया इसके साथ अभिक्रिया करवाई है, तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, लैक्टोन प्राप्त इसे बोलते हैं लैक्टोन। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आपको करवाने के आपके साथ साझा करने की कोशिश की है दोस्तों, तो मेरा उद्देश्य है कि आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।